देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ऐसी दिक्कत आती है आपको। जैसे मान लीजिए आप रेंट बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं, रेंट बिटवीन देखे ना, अभी अभी आप लगा रहे थे, तो यहाँ देखिए रेंट बिटवीन लगाया हमने, ये आ रहा है नीचे रेंट बिटवीन, आप जाते हैं इसमें, ये लग गया फॉर्मूला। अब देखिए इसमें सबसे छोटा बॉटम लिखा हुआ है, बॉटम माने होता है सबसे कम वाला, नीचे वाला। तो अगर किसी को मार्क्स देने हैं या नंबर देने हैं तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे, कम से कम, कम से कम कितना देना चाहेंगे? मान लीजिए 100 नंबर का पेपर ही हो रहा है तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे कम से कम? कम तो मान लीजिए 60 नंबर कम से कम देना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा है, सिंटेक्स में देखिए यहाँ पर कॉमा भी लगा हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक्सेल खुद सिखाता है, थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। फिर यहाँ कॉमा लगा दिए, अब मान लीजिए कह रहा है सबसे ज्यादा नंबर देंगे तो कितना देंगे, 90 दे देंगे, तो 90 लिख दिया। आप इसको बंद करके एंटर कर दीजिए, जब एंटर करेंगे तो यहाँ आपको एक नंबर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको करने का कई तरीका हो सकता है, अब यहाँ से आप ड्रैग करवा लीजिए इस तरीके से, अब जहां तक ड्रैग करवाएंगे वहां तक अलग अलग नंबर उसी के बीच का, ठीक है, उसी के बीच का नंबर आता हुआ चला जाएगा। जैसे मान लीजिए इतने दूर हमने कर दिया तो इतने दूर में आया। इसी को करने का एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए इतने सेलेक्टेड एरिया में हमको नंबर चाहिए, हम ड्रैग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ऐसे ही आ जाए। जैसे हम क्या कर रहे थे इसके पहले, इसके पहले हम ये काम कर रहे थे कि हमने क्या किया, पहले पहले फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया और लगा के एंटर किया, और एंटर करके फिर यहां से ड्रैग करते गए, इस तरीके से किया हमने, ठीक है। लेकिन ये ड्रैग करने वाला काम अब हम नहीं चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं, तो चाहते ये है ना कि ये ड्रैग ना करके हम यहाँ पर सेलेक्ट करें और यही फॉर्मूला लगाए, सब जगह अपने आप नंबर आ जाए। तो इसके लिए आप सीधा सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट है ही हमारा, रेंट बिटवीन का फंक्शन लगा दीजिए, सबसे कम नंबर दे दीजिए, सबसे ज्यादा नंबर दे दीजिए, और इंटर मत कीजिए, कंट्रोल के साथ इंटर कीजिए। क्या करिए, कंट्रोल के साथ इंटर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये पूरा हिस्सा सेलेक्टेड है ना, पहले से सेलेक्ट कर रखा है, उसी में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और अब कंट्रोल के साथ एंटर कर दीजिए। तो देखिए एक ही बार में सब जगह नंबर फिल हो जाएगा, लेकिन इस कंट्रोल के साथ एंटर करने से, ठीक है, एंटर करने से हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये नंबर जो है, जैसे देखिए यहाँ 59 है ना, तो काम करने के दौरान ये चेंज हो जाएगा, देखिए 68 बन गया। तो ये चेंज ना हो इसके लिए एक स्पेशल फीचर होता है, पेस्ट स्पेशल। अब ये पेस्ट स्पेशल आएगा कैसे, देखिए इन सबको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करने पे कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा, पेस्ट स्पेशल भी दिखाई दे रहा है यहाँ देखिए, लेकिन ये हाईलाइट नहीं है, क्लिक करेंगे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा, सेलेक्ट करके पूरे को, और क्या करना है, कॉपी करना है, तो कॉपी करना मत भूलिएगा, पहले कॉपी जरूर कर लीजिएगा। कॉपी करते ही क्या होगा, इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से आ रहा है ना। अब क्या करना है आपको, राइट क्लिक फिर करना है, इसी के बीच में रहते हुए राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए पेस्ट स्पेशल आने लगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, पहला ऑल है, फॉर्मूलाज है, वैल्यूज है, फॉर्मेट है, कमेंट्स है, वैलिडेशन है, सबका अपना अलग अलग यूज है, लेकिन हमको क्या करना है, इन सबको बनाना है वैल्यूज, तो हम वैल्यूज पे जाके क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो अब ये चेंज नहीं होगा, चाहे बाहर कितना भी क्लिक करें, इसे हमने वैल्यू बना दिया, पहले तो फॉर्मूला था तो इस वजह से चेंज हो रहा था, वैल्यू बन गया तो चेंज नहीं होगा। तो सीखने सिखाने के लिए मेथड काफी अच्छा है, ठीक है। एक ट्रांसपोज ऑप्शन एक बार देख लीजिए, ट्रांसपोज माने होता है रो को कॉलम में, कॉलम को उल्टा कर देना, जैसे मान लीजिए ऐसा दिख रहा है ना, तो ये इधर चला जाए अपने आप, तो ये कैसे होगा, तो आपको जिसको करना है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे चले जाइए और पेस्ट स्पेशल पे जाके इसे ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे ना तो जहां पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पर हमको चाहिए डेटा, तो जहां पे क्लिक करेंगे वहीं पर ये डेटा अपने आप चला जाएगा, मतलब इस साइड में हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आप ट्रांसपोज किया और फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ देखिए पेस्ट स्पेशल आ जाएगा, पेस्ट स्पेशल पे जाके और यहाँ ट्रांसपोज पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए यही वाली चीज ऐसे हो गई, देख रहे हैं। अब इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, जैसे मान लीजिए कॉपी तो हमने कर ही लिया है, कॉपी करने के बाद एक शॉर्टकट की होता है ऑल्ट ई एस, क्या होता है ऑल्ट ई एस, जैसे ही करेंगे यही आ जाएगा और टैब दबाते जाइए। देखिए हमको कहाँ जाना है, देखिए कर्सर यहाँ पे है, ये देखिए ये कर्सर हमारा यहाँ है, टैब दबाएंगे कर्सर ऊपर चला गया, यहाँ ट्रांसपोज पे आ गया, आ गया ना, अब एंटर कर दीजिए, एंटर कर देंगे तो यही चीज यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे इसको, समझ रहे बात को, बगल में आ जाएगा। हाँ बगल में आ जाएगा या ऐसे हो जाएगा ट्रांसपोज करना, ठीक है।